साहब रजत को माफी मंगवा ली के सोशल मीडिया के ऊपर तो है उसकी डॉन वाली में, लेकिन वैसे है थोड़ा सा उसके अंदर बालक बुद्धि है थोड़ा सा दिमाग से बच्चा। दोस्तों हाल ही में राजवीर फिटनेस बिग बॉस कंटेस्टेंट गुणारत्न सदावर्ते के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां गुणारत्न सदावर्ते को कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट केस के लिए बाहर आना पड़ा, वो अगेन बिग बॉस में जाएंगे। तो जब राजवीर फिटनेस के साथ वो लाइव आए इंस्टाग्राम पर, तो वहां रजत दलाल को लेकर भी बातें हुई और राजवीर ने बताया कि हाल ही में उनका रजत दलाल के साथ कैसा सीन है। जहां आप जानते होंगे कुछ टाइम पहले इनके बहुत ही लाइव लोकेशन और चैलेंजेस वाले सीन हुए थे, तो आप देखिए वो क्या कहे। क्या हाल है सर जी? एक डायलॉग का ना मैं बहुत बड़ा फैन हो रखा हूँ आपका, कसम से। एक बार बोल के सुना दो। मैं बोलता हूँ मुंबई बंद तो मुंबई बंद, मुंबई चालू तो चालू। एक बार बताऊँ आपका छोटा सा एक और देखा था मैंने, रजत किसी के साथ झगड़ा कर रहा है तो उसमें उसका शोल्डर पे हाथ लग गया आपके, तो आपने बोला वो ये धक्का गिरा। अच्छा जाना जरूरी रजत तो इन भाई साहब रजत को माफी मंगवा ली हैं हमने, बीच में झगड़ा हो गया था। अरे मंगवाने की क्या जरूरत है, हम थोड़ी घर के किचन में क्या बर्तन है हमारे साथ। नहीं, वो हमारा हुआ था मार्च में झगड़ा हुआ था, वो फिर हो गया था सॉर्ट आउट, माफी वाफी मांग ली थी उसने थोड़ा गलती रियलाइज करके, पहले तो पुलिस ने मंगवा दी थी, पुलिस ने उठा लिया था उसे, एक हमारा ना फाइट का चैलेंज था। अब वो थोड़ा सा ना है इसके सोशल मीडिया के ऊपर तो है उसकी डॉन वाली में, लेकिन वैसे है थोड़ा सा उसके अंदर बालक बुद्धि है थोड़ा सा दिमाग से बच्चा, तो मेच्योर कम है थोड़ा सा, तो उसने हवाबाजी में बोला तुम दो में आई, हम पूरी रात हंसे बड़ा साहिल भाई, उसने कहा तुम दो आ जाओ मैं अकेला, हम पूरी रात हंसे। हाँ मैंने कहा यार, तो अगले दिन हमारा फाइट का चैलेंज था, एक जगह रखी उसने, तो उससे पहले हम जाते उससे पहले उसे पुलिस उठा के ले गई। वो क्या आपके यानी इलाके से है? नहीं मैं यूपी से हूँ, वो हरियाणा से। तो फिर वैसे ही होगी अनबन का थोड़ा अनबन ऐसे ही ये वीडियोस में ही होगी थी थोड़ी सी। हाँ उसने हमें कुछ बोला, हमने उसे कुछ बोला, वो धीरे धीरे होते होते फिर कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती चली गई, फिर वो इतनी बड़ी होगी हरियाणा पूरा एक तरफ, यूपी पूरा एक तरफ, फिर फालतू में इतने सारे ड्रामे हुए, दंगे होने की नौबत आ गई। उसके बाद फिर हमने बैठ के थोड़ा सा डिसाइड करा, मैंने कहा इसको खत्म करते हैं बात को, तो फिर उसने घर आके हमारी माता जी के माँ की गालियाँ दे रहा था उसमें, तो माता जी के पैर छू के माफी मांगी हमने भी बरादरी से कि भाई जाटो सारे भाइयों से जाटो से हमने भी माफी मांगी कुछ गलत हमारे मुंह से निकला होगा। रजत दलाल की बात चली रही है तो उनको लेकर पुणे सुपरस्टार स्टोरी अपलोड की है इंस्टाग्राम पर और बताया कि रजत दलाल को शो में जोकर बोल दिया गया है, जहां उन्हें शो में इसलिए बुलाया गया था। आप देखिए वो और क्या कहे। अरे भाई रजत दलाल का तो जो है बहुत ही बुरा हाल हो गया, उसको तो जोकर बोल रहे हैं सब लोग, बिग बॉस में जोकर बना दिया उसको। असल में बिग बॉस वालों ने बुलाया ही उसको जोकर बनाने के लिए था, जोकर साबित करने के लिए। इज्जत ही खत्म हो गई भाई उसकी तो, बेकार है, बड़ी हवाबाजी दिखा रहा था वो कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, जोकर साबित हो गया और जो थोड़ा बहुत नाम था वो भी खत्म हो गया उसका, बेकार है भाई। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, हाल ही में अभी प्लेग्राउंड में कुछ दिनों पहले नितिन और वैभव में छोटी सी फाइट देखने को मिली थी, साथ ही प्लेग्राउंड में कुछ गालियां वगैरह खाई जाती है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये चीज को लेकर थारा भाई जोगिंदर कहे कि शो के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, शो में ऐसी ऐसी चीज चलती रहती है। और भी वो क्या कहे आप देखिए। शो चल रहा है प्लेग्राउंड जिसके अंदर जज है तुम्हारा एलविस यादव, मुनावर मिड पैक और वो मोटा मोटल्स, ये लोग अपने आप को इतना बड़ा जज मानते हैं उस शो के अंदर, इन लोगों ने इतनी गंदगियां करवाई हुई है उस शो के अंदर, इतनी ज्यादा लड़कियां उनके सामने खुलेआम, लोग माँ बहन की गालियां दे रहे हैं खुलेआम, गंदी बातें कर रहे हैं खुलेआम, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर भी इस हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ कि उस शो के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाए किसी ने, वहां पर खुलेआम हाथापाई हो रही है, किसी की माँ के बच्चे को खुलेआम थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अबे कब उठोगे तुम लोग, ये लोग हमारे यूथ को गंदा कर रहे हैं खुलेआम, और टीवी पर यूट्यूब पर वो चीज दिखाई जा रही है, सबके बच्चे देखते होंगे,
18-19-20 साल के लोग फॉलो करते हैं इस वाले शो को, बायकॉट करो हिंदुस्तान के अंदर से प्लेग्राउंड शो को। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में हाल ही में अरमान मलिक के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता, यानी कि वो अपना गाना शूटिंग करके आ रहे थे तभी उनकी जान जाते जाते बची। आप देखिए वो क्या कहे। गाइस आज से एक हफ्ता पहले मैंने इस गाड़ी की कंप्लेंट की थी, मतलब इतनी घटिया गाड़ी है। आज इसके साथ ऐसा ही हुआ, अभी हम आ रहे थे मनाली से गाने का शूट करके, गाड़ी का पूरा टायर फटा है और गाड़ी अनबैलेंस हुई है, उसके साथ साथ अनबैलेंस होने के साथ साथ ये यहाँ भी लगी है। मतलब अगर बात की जाए, मौत के मुंह से वापस आए हैं। मैं गाड़ी में सो रहा था, योगेश गाड़ी चला रहा था, कृतिका पीछे थी, लक्ष्य पीछे थे, हमारे पीछे फॉर्चूनर मेरी गाड़ी है वो भी मेरे साथ ही थी। मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी घटिया गाड़ी है ये। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ये गाड़ी आप बिल्कुल मत लेना। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे गाड़ी कौन सी, भाई ये गाड़ी है GLS 450D। इस गाड़ी से बच के रहना भाई। और मैं तो ये बोलूँगा, रिक्वेस्ट है सभी से, जिसके पास ये गाड़ी है एक बार आप बताना इस गाड़ी की कमियाँ। टायर की सबसे गंदी कमी है, मतलब आज के दिन जो हादसा हमारे साथ हुआ ना, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले कृपा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में मनोज दे क्या हेटर्स को एकदम खतरनाक वाला रिप्लाई दे दिया है। तो हाँ, हाल ही में मनोज दे को वीडियोस के नीचे हेटर्स लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तो मनोज दे उन पर गुस्सा हो गए और ये कहा इंस्टाग्राम वीडियो में, आप देखिए। अपना चड्डी खरीदने का नहीं है, जो साला अपने बाप के पैसे में दम तोड़ रहा है वो करता है बैड कमेंट। जो भी बैड कमेंट आता है उसका प्रोफाइल खोल करके देखना, एक नंबर का बकलोल आपको दिखेगा, एक नंबर का गंवार दिखेगा, जो कुछ कर ही नहीं पा रहा अपने लाइफ में, ठीक है। और उसको हो रहा है अंदर से जलन। अभी मैं फॉर्चुनर पकड़ के रील बना रहा हूँ, तो क्या फॉर्चुनर ऐसी आ गया कि रात दिन एक करके पसीना पोंछ के मैंने फॉर्चुनर लिया? तो मतलब यह है कि बैड कमेंट वही करता है जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा, जो अपने बाप के कंधे में अभी भी बोझ बना हुआ है। तो बैड कमेंट करने वालों को मेरा यही है कि बाप के कंधे में बोझ मत बनो, और किसी सक्सेसफुल इंसान से जलो नहीं और उसे सीखो, और लाइफ में कुछ ऐसा डिसाइड करो कि भाई कुछ अच्छा करना है ना। जलने से कोई फायदा नहीं, जल के मेरा क्या कर लोगे? कुछ तो उखाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कमेंट ही कर पाओगे? करो, मेरे पास समय थोड़ी है कि आपका कमेंट में रीड करता हूँ। भाई खुद का औकात देख, खुद का औकात देख, ठीक है। और घोड़ों की रेस में ही घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा मैं खुद बना हूँ, ठीक है। हाँ, गधा एक टाइम था, घोड़ा खुद से बना मेहनत के दम से, और घोड़ा ही घोड़े की रेस में दौड़ रहा है। अगर तुम्हारे बस की बात है तो तुम इस रेस में दौड़ के देखो, तुम 7 मिलियन सब्सक्राइबर करके दिखाओ, तुम अपने औकात पे, अपने पैसे पे, अपने मेहनत के दम पे फॉर्चुनर खरीद के देखो, फिर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं गधा हूँ और घोड़े की रेस में दौड़ रहा हूँ। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं अमन ठाकुर को लेकर। तो रिसेंटली उनसे कमेंट में किसी ने पूछ लिया, भैया लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बोलिए। तो वो चीज पर अमन ठाकुर कहे कि वो एक ब्लॉगर है, वो इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एल्विश और अजहर खान की फेक कंट्रोवर्सी जैसी नहीं है ये चीज। आप देखिए और वो क्या कहे। मुझे जिंदा रहना है, कम उम्र में मेरी दीवार पे फोटो नहीं चिपकवानी है। अगर आपको चाहिए तो मैं समुद्र में कूद के जान दे दूं, लेकिन मैं लॉरेंस भाई के भाई कुछ कमेंट नहीं करूंगा। मेरी खुद इतनी फटती है भाई, बड़े बड़ों की फट के दरवाजा हो गई है, उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे कोई उनके अगेंस्ट एक भी पोस्ट नहीं देखी। और मैं एक चीज बता दूं, ये एल्विस एजाज ये सब का फेक कंट्रोवर्सी नहीं है। देखो भाई ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए लॉरेंस भैया भाई मैं आपके बारे में कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा ब्लॉगर हूँ, कंटेनर के बारे में आप लोग को बताता हूँ। मुझे उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे भाई देखो किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना है, सब अपनी जगह अच्छी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।